आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है क्योंकि आज हमारे दोस्त भट्ट साहब जिन्होंने हाल ही में बेकरी एसोसिएशन जो है उसमें अपना 10 ईयर कंप्लीट करके 2 टर्में दे दी और इनकी मेहनत और इनकी शफकत जो अपने कमरवारी बाजार के साथ है उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ के ट्रेड यूनियन ने उसको यहाँ बहस्ते प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ने की तजवीज़ दे दी जो इन्होंने एक्सेप्ट की, तस्लीम किया। और इसके साथ ही इनके दूसरे साथी जो जनरल सेक्रेटरी के अहदे पे है जाहिद मीर साहब जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक छोटी उम्र के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी के हिस्से से काम करते आए हैं तो लोगों में इतना एतमाद भट्ट साहब पे था कि ये बिला मुकाबला कामयाब हुए। उसके साथ ही फिर इलेक्शन जाहिद साहब और इनके मध्य मुकाबल जो शख्स थे उनके दरमियान होना था लेकिन जब कागजात वापस लेने की तारीख हुई भट्ट साहब के ख़िलाफ़ तो कोई था ही नहीं, कोई अपोज था ही नहीं, तो जाहिद साहब के अपोज में जो कैंडिडेट थे उन्होंने अपने पेपर्स वापस नहीं लिए जिसके लिए जाहिद साहब को मुकम्मल अपनी कमरवारी बाजार की तरफ से पूरा एतमाद था कि आप जीत के आएंगे। लेकिन विड्रावल के दूसरे तीसरे दिन जो इनके अपोनेंट थे उन्होंने एक लेटर लिख के दे दी जिसपे ये कहा गया कि मैं जी दस्तबरदार हो रहा हूँ, तो जाहिर बात है कि जाहिद साहब भी बिला मुकाबला कामयाब हुए। उस लिहाज से हम यहाँ इनको मुबारकबाद देने आए इन दोनों को, ये हमारा यहाँ आने का मकसद है। आज ओथ सेरेमनी थी जिसमें मुझे नाचीज उमर मुख्तार भट्ट को एज ए प्रेसिडेंट चुना और जाहिद अहमद मीर साहब को एज ए जनरल सेक्रेटरी हम मिलजुल के बैठे। वहाँ इश्यूज देखिए कहाँ कहाँ, वहाँ हम ये देखिए कि कहाँ कहाँ इश्यूज आ रहे, वो इश्यूज को दूर करने के लिए मैं अपने कमरवारी ट्रेडर्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी रखी है। और मेरी यही कोशिश रहेगी जो भी उनके जायज मुतालबात होंगे उसके ऊपर मैं पूरा काम करने की कोशिश करें। ये देखिए यहाँ एक टीम वर्क, ये काम पूरा टीम वर्क में होता है। इंशाल्लाह हम मिलजुल के इस काम को अंजाम तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह।